बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। आप सबको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। और आज मैं आपके लिए एक और डेज़र्ट लेके आई हूँ जो कि ईद के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत चिल्ड सर्व होता है। सो लेट्स मेक इट। इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो नोट कर लें। वन पैकेट मैंने इसमें फ्रेश क्रीम ली है 200 ml। हाफ कप मैंने बेक पार्लर की कलरफुल सवैयाँ ली हैं, उनको मैंने बॉयल कर लिया जो कि 1.5 कप हो गई हैं। 1 tin मैंने कॉकटेल लिया है, उसका ये लेफ्ट ओवर जूस है 1 कप। हाफ कप मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, फ्रेश मिल्क लिया है 1 लीटर। और ये बेक किया मैंने केक जो कि प्लेन टी केक है। 2 टाइप्स ऑफ कस्टर्ड पाउडर है जो कि एक मैंने लिया है बनाना फ्लेवर और एक लिया वनीला फ्लेवर, और 2 फ्लेवर्स की जेली है जिनको बना के मैंने सिलिकॉन के मोल्ड्स में डाल दिया है। आप चाहें तो आप बनाकर इसको ऐसे ही किसी भी मोल्ड में रख के सेट कर लें। सबसे पहले मैंने एक पैन में 2 कप्स मिल्क डाला है जो कि 1/2 लीटर है। ये डिपेंड करता है आपके कप की मेजरिंग पे। 2 कप के करीब दूध मैंने एक पैन में डाल दिया है। इसमें हम एक फ्लेवर का कस्टर्ड बनाएंगे, और एक सेकंड पैन लिया है। अब मैं इसमें भी 2 कप दूध डालूंगी। कस्टर्ड जो बनाना है वो बहुत जल्दी बन जाता है, सो मैं आपको वीडियो में इसको पकाने का तरीका बता दूंगी। लेकिन जो जेली मैंने बनाई है मैंने उसको शूट नहीं किया, सो वो आप एक पैकेट जेली का लेंगे और उसमें 2 कप पानी बॉयल करेंगे। बॉयलिंग वाटर में आप अपनी जेली को मिक्स करेंगे, जस्ट 1 मिनट के लिए कुक करें और उसे अपने मोल्ड में सेट कर लें। अब 2 कप में मैंने ईच बाउल में 1/4 कप मिल्क डाला है और इसे मिक्स कर लिया है। और अब हम बनाएंगे अपना कस्टर्ड। पैन को चूल्हे पर रखेंगे और इसे बॉईल करेंगे। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के चीनी डाली है, रेगुलर शुगर डाली है। मीठा आप अपने मर्ज़ी से अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल मीठा है। इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। और कस्टर्ड मैंने बहुत गाढ़ा नहीं बनाया, इसको मैंने पतला बनाया है। जब आप कस्टर्ड इसमें डालें तो आप इसको विस्क से या स्पैचुला से इसको मिक्स करते रहें, क्योंकि इसकी ताकि गुठलियाँ ना बने। हम बहुत गाढ़ा नहीं बना रहे, थोड़ा सा मैं इसको पतला रखूँगी जस्ट विद इन 1 मिनट। ये देखें बॉइलिंग पॉइंट पे जब दूध आ जाए तो उस वक्त आप इसमें कस्टर्ड डालें और आपका कस्टर्ड विद इन 1 मिनट रेडी हो जाएगा। अब हम दोनों कस्टर्ड्स को ठंडा करेंगे। कस्टर्ड मैं ठंडा करने के लिए रख दी है, और क्रीम को मैं डबल बॉयल मतलब नीचे डबल बाउल लिया है, उसमें बर्फ़ डाली है और उसके ऊपर रख के मैं इसे बीट कर रही हूँ, क्योंकि समर में जब आप बीट करें तो ऐसे ही करें। अगर विंटर्स हों तो कोई इशू नहीं है, आप एज इट इज़ क्रीम को बीट कर सकते हैं। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसमें पिसी हुई चीनी पाउडर शुगर 1/2 कप डाल लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन कंडेंस मिल्क से इसका फ्लेवर अच्छा आएगा, सो मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है। अब मैं इसे मिक्स करूँगी, और उसे मिक्स करने के बाद मैंने इसमें जो बेक पार्लर की सवैयाँ थी या आप इसे नूडल्स कह लें उसको बॉईल किया है। जस्ट इसको बॉइलिंग हॉट बॉइलिंग वाटर में आपने इसको डालना है, और डालने के बाद जब आप इसे स्टेन करेंगे, स्टेन करने के बाद आपने इसे बहुत अच्छे पानी से 2-3 पानी आपने इसको धो लेना है ताकि ये आपस में मिक्स नहीं हो। उसको मिक्स किया मैंने, इसमें 1 tin कॉकटेल का डाल दिया है जिसमें से हमने सारा जूस जो था अच्छे तरीके से स्टेन कर लिया, इसको ड्राई कर लिया है। इसमें जूस बिल्कुल ना हो आपके कॉकटेल्स में। अब आप इसे मिक्स करें। अब ये हमारी एक स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया है। ये बहुत इजी है, लेकिन इसमें थोड़े आपको थोड़ी तैयारी थोड़ी करनी पड़ती है, चीज़ें थोड़ी इकट्ठी करनी पड़ती हैं, लेकिन ये इसकी असेंबलिंग और आप इसको बनाने में बहुत इन्जॉय भी करेंगे। और ये इतना ठंडा और चिल्ड सर्व होता है कि समर्स में आपको इसको खाने का बहुत मज़ा आएगा। अब हम इसे असेंबल करेंगे। असेंबल करने के लिए मैंने एक बिग साइज़ का बाउल लिया है। अगर आप इसे क्रिस्टल बाउल में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसकी जो लेयरिंग है वो उसमें अच्छे से प्रेजेंट होंगी, शो होंगी, तो वो बहुत प्यारी लगेंगी। और ये मेरे जो केक के स्लाइसेस हैं ये भी थोड़े बड़े साइज़ के हैं, क्योंकि मैंने बड़ा केक बेक किया है। अब आपने सोचो इसका केक के स्लाइसेस ऐसे लगाने हैं कि आपका जो बाउल है वो पूरा नीचे से कंप्लीट हो जाए एक लेयर इसकी। और अब मैं इसके ऊपर जो कॉकटेल का जूस था लेफ्ट ओवर वो डाल रही हूँ। जूस हम उतना ही डालेंगे जितना हमें चाहिए। मैंने इसमें 1/2 कप जूस डाला है, और जो जूस है वो सारा केक ने सोक कर लिया।
बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब मैं इसके ऊपर एक लेयर उसकी लगाऊंगी कस्टर्ड की। कस्टर्ड की लेयर हम लगाएंगे तो हम एक जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो हम सारा डाल देंगे, क्योंकि दो कलर्स का कस्टर्ड है। अगर हम इसकी दो लेयरिंग करेंगे तो ये बहुत मिक्सअप हो जाएगा। सो आप सारा कस्टर्ड एक ही लेयर में लगा दें, क्योंकि ये बाउल बड़े साइज़ का है और इसकी टू कप कस्टर्ड्स की एक लेयर बहुत अच्छी आएगी। मैंने इसके ऊपर जेली डाल दी है ग्रीन कलर की, क्योंकि मैंने पहले ग्रीन वाला कस्टर्ड डाला है। अब इसको इस पॉइंट पे आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखें और थोड़ा सा सेट करें कस्टर्ड को, और फिर सेकेंड लेयर लगाएं। लेकिन मैं आपको अभी, क्योंकि मैंने फ़ौरन इसको कंप्लीट करना है, सो मैंने इसके ऊपर सेकेंड लेयर ऐसे ही लगा दिया है। मैं इसे बहुत केयरफुली फैला रही हूँ ताकि कस्टर्ड और ये इसकी जो हमारी लेयर है मिक्स ना हो। सेकेंड लेयर हमने अपने क्रीम पास्ता एंड कॉकटेल की डाली है, और मैं इसे सारा इस एक लेयर में ही डाल दूंगी। अब आप इसे भी सेट करें, थोड़ी देर रेफ्रिजरेटर में रखें और फिर थर्ड लेयर लगाएं। अब मैंने इसमें थर्ड लेयर डाली है जो कि कस्टर्ड की है, और ये कस्टर्ड येलो कलर का वनीला फ्लेवर का है। मैं इसको बहुत थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ चम्मच से, आप देख रहे हैं, ताकि ये मिक्स ना हो जाए। सो अब मैं इसमें सारा ही डाल दूँगी। कस्टर्ड की एक लेयर कंप्लीट करने के बाद जो मैंने जेलीज रखी थी, अब मैं वो डाल रही हूँ। अगर आप कस्टर्ड को सेट कर लें तो आपकी जेली ज़्यादा अच्छी असेंबल होगी, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया। सो ये हार्ट शेप की जेली मैंने बनाई थी, एक रेड है और दो ग्रीन है, हम ये रखेंगे, और एक फ्लावर्स वाली बनाई थी वो डाल दी है। और जो इसका ये जो एम्प्टी स्पेस है, इसमें ये दो चेरीज हैं जो कि कॉकटेल में से निकली थी, वो मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। और जो इसका स्पेस है, इसमें मैं सारा जो केक है उसको हाथ से क्रश करके वो डाल रही हूँ। आई होप आपको मेरी ये अच्छी लगी होगी आज की रेसिपी, जो कि बहुत अच्छा डिज़र्ट है, ठंडा ठंडा सर्व होगा। आप इसे गर्मियों में खूब इंजॉय करें, आप इसे ईद पे ज़रूर बनाएं और अपने गेस्ट को खिलाएं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। वंस अगेन आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।